अगर भैया कभी आपको वीडियो में दिखें तो समझ जाइएगा ये वही भैया हैं जिन्होंने हमें घुमाया है। बाकी जो भी है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके अलावा हमने यहाँ पर चार पॉइंट्स, हाँ इनके पास है राजो और टिक्की। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह इसी कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। आज हम लोग जाने वाले हैं पहलगाम, और पहलगाम यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर है श्रीनगर से, तो राउंड ट्रिप होती है 200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। वहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया सफर आप लोगों के साथ। सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में केसर होता है। यहाँ पर अभी 2014 में जो बाढ़ आई थी वो भी यहीं पर आई थी पीछे, और ये पूरे के पूरे जो बाढ़ अगर आप देख रहे हो ये पूरे के पूरे पानी के अंदर थे। 14 से 20 फीट के लगभग यहाँ पे पानी आया था, और यहाँ पे बैक साइड में जाली नदी है उसमें से वो पानी पूरा आया था और वो बाढ़ आई थी। बाकी केसर वगैरह यहाँ पर जो क्वालिटी मिलती है वो आपको कश्मीर में कहीं और जगह पे भी नहीं मिलने वाली है। तो कभी भी आप अगर कश्मीर आएँ तो यहाँ से केसर वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो यहाँ से परचेज करें तो बेस्ट रहेगा। तो गाइज यहाँ तक आती है आपकी नॉर्मल कैब वगैरह जो भी आप हायर करोगे, चाहे वो टेम्पो ट्रैवल हो चाहे वो कोई कार हो, जो भी है आपको यहाँ तक अपनी गाड़ी को लेके आना है। इसके बाद में आगे आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। अगर आपको आगे जाना है तो यहाँ से आपको लेनी होगी पोनी, पोनी राइड यहाँ से स्टार्ट होगी, और उसके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किए हैं, ये होती है यहाँ की पोनी। तो गाइज अभी हैं हम यहाँ पर पोनी पर, आप देख सकते हैं, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर टॉप पर। यहाँ पर चार पॉइंट हमने चूज किए हैं, इसके अलावा 3 पॉइंट और हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बाकी आप वीडियो पे कंटिन्यू बनने के रहिए। पीछे जो हैं शर्मा जी हमारे वो भी पोनी पर हैं और मैं हूँ पोनी पर। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड करने लगे हैं कैमरा संभालेंगे या खुद को संभालेंगे। यहाँ पर जैसे पूरा ग्रीनरी वगैरह होता होगा, हाँ मतलब किस टाइम में होता है मेन सीजन यहाँ का? जून जुलाई। अच्छा ठीक है। और बाकी नॉर्मली जैसे दिसंबर जनवरी में यहाँ पे भी स्नो होती होगी फुल? अच्छा उस टाइम पे भी ये जाते हैं पीक पे? हाँ अच्छा अच्छा, ताकि दस्ता नहीं है। हाँ आपका वीडियो बन रहा है, आप आने वाले हो देखो। शर्मा जी जहाँ पे ढलान आए चढ़ना सामने की तरफ, जब उठान आए पीछे की तरफ। हाँ
ऊंट वाला सिस्टम है। क्या मतलब तो गाइज ये हैं यहाँ की बैसारन वैली और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया है और आप इसका व्यू एंजॉय कीजिए एक बार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये यहाँ का मे बी पीक पॉइंट है, हमारा ये लास्ट पॉइंट है, बाकी आपको वीडियोस में हमने दिखा दिया होगा। ये मेन पॉइंट है जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा स्नो है और आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की तरफ पूरा का पूरा स्नो और ऊपर की तरफ वादियाँ जो कि आपको एक्चुअल में रियल कश्मीर दिखाती है। और इसके अलावा बाकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक की हैं यहाँ पर और इस स्नो में थोड़ा बहुत मज़ा भी लिया है। बाकी अब थोड़ा सा सिनेमैटिक आप एंजॉय कीजिए। तो गाइज ये है कौन सी जगह, बाईसरन और यहाँ पर हमें लेके आए हैं ये भैया अपनी पोनी पर। हमने दो पोनी हायर की थी यहाँ पे। आप जब नीचे जहाँ पे लास्ट स्टॉप है जहाँ से आपकी गाड़ी वगैरह आगे नहीं आएगी उसके बाद आपको पोनी राइड ही करनी पड़ेगी, आप यहाँ से पोनी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर भैया मिल जाएंगे, अगर भैया का भी आपको वीडियो में दिखें तो समझ जाइएगा ये वही भैया हैं जिन्होंने हमें घुमाया है। बाकी जो भी है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके अलावा हमने यहाँ पर चार पॉइंट्स, हाँ इनके पास है राजो और टिक्की जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करवाया हमें। और ऐसा है कि हमने चार पॉइंट घूमे हैं, आप चाहे तो कम या ज़्यादा जो भी है लेकिन मिनिमम चार पॉइंट आप घूमेगा यहाँ पर जब भी आएँ, अगर फरवरी में आ रहे हैं तो। इसके अलावा सीज़न के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स वगैरह जो है आप राइड कर सकते हैं। अभी अपन ने कौन कौन से पॉइंट्स देखे भैया? ओके ठीक है, तो भैया ने ये चार पॉइंट बताए जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें तीन आपके इक्वल हैं, शामिल है मतलब, और सेकंड में हमने एक्स्ट्रा में जो घुमा है वो कौन सा था, पहलगाम है। हाँ जो भी है, नाम थोड़े से हमें समझ में नहीं आते इतना, लेकिन आप यहाँ पर आइएगा तो आपको पोस्टर वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा। अब वहाँ से जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो गाइस अब यहाँ से बैसारन से वापस निकल रहे हैं और जा रहे हैं पहलगाम, नीचे जो पॉइंट है जहाँ पे हमने हमारी गाड़ी वगैरह रुकवाई थी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, सबसे ज़्यादा मज़ा हमें पोनी राइड पे आया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारे हमारी टिक्की ने जो भी है दोनों ने मिल के काफ़ी ज़्यादा, हाँ दोनों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। हाउस बोट पर अब बस, अब आज थोड़ा सा हैप्टिक डे था, काफ़ी ज़्यादा थकावट है मुझे, इसका मुझे पता है, ठीक है मैं बहुत थक गया हूँ, तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर खाना वाना खाएंगे सो जाएंगे। कल जहाँ तक है अभी तक हमारा है श्रीनगर में लोकल साइट सीन जो हमारा अधूरा रह रखा था वो करेंगे, क्योंकि परसों हमारी वापस से फ्लाइट है 2 तारीख की श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। तो
कल जो भी है हमारे पास कल का डे है, तो इसीलिए कुछ यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करना है और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लोकल साइट्स है उनका साइट सीन जो बाकी है अगर हुआ तो वो भी कर लेंगे। तो बस मिलते हैं कल के वीडियो में, टिल देन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना है, और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, दोनों के यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेटे लेटे बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैठने की हालत नहीं, ठीक है। अगर आपने पहली बार पोनी राइड की है तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, और नहीं की है तो थोड़ा पता चल जाएगा, कर लेना, बढ़िया मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में। टिल देन गुड बाय।